अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS502 का जो आज का मैं एग्जाम देके आया हूँ, मिड टर्म का, वीयू मिड टर्म फॉल 2022 का बताऊंगा उसमें क्या आया है। और मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी पेपर की तैयारी कैसे की है CS502 एग्ज़ाम की। वीडियो का एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, कसम कहते नहीं उठानी चाहिए, मैं फिर भी आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ जो है ना आखिरी तकरीबन 4 बजे मैंने पढ़ना शुरू किया है और 5:30 मेरा पेपर था। तकरीबन 1 घंटा मैंने पढ़ा और इसके बाद 5 बजे मैंने यहाँ से निकल गया पेपर देने और आधे घंटे में इंस्टीट्यूशन पहुँचा जहाँ पर मैंने पेपर देना था। पेपर दिया और मतलब 1 घंटे की तैयारी मैंने की और मैंने अपना 80% पेपर अटैम्प्ट किया जाके CS502 का, ठीक है। और अब आपने तैयारी कैसे करनी है और कौन सी करनी है? देखें, CS502 का जो पेपर है ना, वो 80% आपका पास, मतलब आपके जो MCQs है ना, 80-90% आपके पास पेपर्स में से आए हैं, ठीक है। और उसमें आप एक फाइल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसका नाम है अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल। अगर आपके पास नहीं है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, 0320 वाला मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको CS502 की अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल दूंगा। 80-90% MCQs आपके अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल से आए हैं, ठीक है, वो आप मेरे से ले सकते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि पास्ट पेपर्स में से अगर आपके MCQs रिपीट हुए, अगर आपके MCQs रिपीट सबके हो रहे हैं 502 के, अगर आप पुराने भी अगर करंट मिड टर्म पेपर्स अगर ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं तो उसमें यही आ रहा है कि 80-90% पास से आ रहे हैं। और अगर पास से आपके शेयर हुए तो फिर आपका 80% अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल से आएगा, ठीक है। 80% सारे का सारा पेपर आपका अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल से आएगा। आप वो कर ले, तकरीबन 45 पेजेस है, वो कर ले, 1 घंटे की बात है। 1 घंटे में आप उसको 2 दफ़ा रीड आउट कर लेंगे 45 पेजेस को। उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके 27 में से आपके 22 MCQs इजीली आपके जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 5 रट्टा लगा लेना, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव की बात करें यार, सब्जेक्टिव पास पेपर में से नहीं रिपीट होता, सब्जेक्टिव है भी 8 नंबर का, उसकी इतनी टेंशन आप ना लें, ठीक है। सब्जेक्टिव में ये है कि एक क्विक शॉर्ट वाला क्वेश्चन आया था और एक आया था, एक इक्वेशन कोई दी हुई थी उसका, एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, एसिम्प्टोटिक वाला। और एक क्वेश्चन आया था फेबियोनिक की डेफिनेशन लिखनी थी, रिकर्सिव डेफिनेशन उसकी लिखनी थी। और एक क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने केस दिए थे, केस 1, 2, 3 और उसको मर्ज सॉर्ट करके, तो उसका आपने आंसर लिखना था क्विक सॉर्ट से मुतलिक, ठीक है, वो क्वेश्चन था। मतलब ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था, सब्जेक्टिव भी ईजी था अगर आपको आता हो तो। बाकी ये तैयारी के मैंने बता दिया है, आपने सिर्फ अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स करें। अगर इसके साथ और करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अल जुनैद इंस्टीट्यूट, मुआज़ की फाइल और वी यू टॉपर आर एम की फाइल अगर आप कर लें तो इट्स एनफ फॉर यू टू अटैम्प्ट योर CS502 पेपर और आप 6 नंबर से इंशाल्लाह उसको पास कर लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, मैंने पेपर दे के आया हूँ आपको, आपके साथ शेयर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ नहीं होता, बिल आया तो मुझे बताना, मैं बार बार यही बता दूँगा आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।